everyone. Hello and welcome to Amul Facebook Live. My name is Hina. Once again I am back and good evening everyone. आज हम बनाने वाले हैं ब्राउनी. एक स्पेशल ब्राउनी बना रही हूँ मैं, जिसमें यूज कर रही हूँ आमंडो और अमूल के आमंड चॉकलेट्स होते हैं ये. मैं ये ब्राउनी में यूज करने वाली हूँ, इसलिए मैंने इस ब्राउनी का नाम रखा है आमंडो ब्राउनी. हाय एवरीवन, हु ऑल हैव जॉइन. लेट्स स्टार्ट मेकिंग. ओके, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये डबल बॉयलर लिया है. मैंने पैन में पानी गर्म किया है, उसके ऊपर मैं रखूंगी एक बोल. इसमें सबसे पहले हम यूज करेंगे अमूल बटर. बहुत अच्छी पैकिंग है इसकी. मैं 40 ग्राम ऑफ बटर ले रही हूँ, अप्रोक्सीमेटली 2 क्यूब्स, और इसको हम ऐड कर देंगे बोल में. ब्राउनी बेक होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं टाइम नहीं वेस्ट करते हुए स्टार्ट कर दिया मैंने. आज हम बना रहे हैं आमंडो ब्राउनी. उसके लिए मैंने डबल बॉयलर में सबसे पहले बटर डाला है. और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/3 कप ऑफ डार्क चॉकलेट. इसको हमें बटर के साथ मेल्ट करना है. मैंने अपना ओवन भी प्री हीट करने के लिए स्टार्ट रख दिया है 170 डिग्री पे. इसको हमें अमूल बटर के साथ मेल्ट करना है. इसको हम स्टिर करते हुए मिक्स करेंगे और ये एक स्मूथ चॉकलेट और बटर मिक्स रेडी हो जाएगा. इसको इस प्रोसेस को हम माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने यूज किया है अमूल का डार्क चॉकलेट, विच इज 55% रिच इन कोको. ये मेल्ट हो गया अच्छे से. अब इसमें हम ऐड करेंगे 100 ग्राम ऑफ अमूल मिठाई मीट. तो अब हमें इसका 100 ग्राम कैसे मेजर करूंगी मैं. इसको मैं रखूंगी अपने वेइंग स्केल पे और इसको मैं कर दूंगी 0. इसको मैं रख के स्टार्ट करूंगी और मैं इसको कर दूंगी 0. और इसमें मैं ऐड करूंगी 100 ग्राम ऑफ अमूल मिठाई मीट. वो विस्क का बेटा है. इसको वो विस्क हटाती है. नहीं कोई बात नहीं, कटा नहीं. It's not working. Take the other one, no? ये हो गया 0. अब मैं इसमें ऐड करूंगी 100 ग्राम्स ऑफ
मिठाई मीठ। मैं इसको 100 ग्राम्स तक पोर करती जाऊंगी। अब इसको भी हम मिक्स कर लेंगे प्रॉपरली। इसको मैं डबल बॉयलर पे रख रही हूँ बिकॉज विंटर्स हैं तो ये बहुत बटर हमारा जमने लग जाता है, तो हमको एक ये थोड़ा सा स्मूथ बैटर चाहिए। अब हम सारे वेट इंग्रेडिएंट्स सबसे पहले मिक्स करेंगे। इसमें मैंने 1 टीस्पून ऑफ कॉफी लिया था और इसको मैंने 1 टेबल स्पून ऑफ वाटर के साथ डिजोल्व करा है और ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून ऑफ वेनिला एसेंस। अब इसको भी हम व्हिस्क कर लेंगे प्रॉपरली। बस इतना ही हमें इसको डबल बॉयलर पे रखना है और ये जब अच्छे से प्रॉपरली सब इनकॉर्पोरेट हो जाए, अब हम इसमें डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अब हम सीव लेंगे और इसमें मैंने 1/3 कप ऑफ मैदा लिया है। इसी में मैं ऐड करूंगी 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर एंड 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा। इसको हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मिक्स कर देंगे और इसमें मैं यूज कर रही हूं ये 1.5 टेबलस्पून ऑफ कोको पाउडर। और इसको भी हम इसमें डाल देंगे। इसको भी हम कट एंड फोल्ड मेथड करके इसको मिक्स करेंगे। अगर हम अनसॉल्टेड बटर यूज करते हैं तो हम इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट डालना पड़ेगा, लेकिन मैं अमूल बटर यूज कर रही हूं तो उसमें सॉल्ट होता है तो मैं इसमें सॉल्ट नहीं ऐड कर रही हूं। सॉल्ट से इसका टेस्ट इनहांस होता है। तो हमें प्रॉपरली मिक्स कर लेना है जब तक इसकी सारी प्रॉपर फ्लावर प्रॉपरली मिक्स ना हो जाए। ये ऐसा स्मूथ बैटर रेडी हो गया हमारा। ऐड करूंगी ये अमूल की आमंडो चॉकलेट्स जो है, ये मैंने हाफ हाफ कट कर लिया है। आप चाहो तो इसमें और कोई और नट्स भी डाल सकते हो, वॉलनट्स डाल सकते हो, मगर आज मैं इसमें ये यूज कर रही हूं। और इसमें हम डालेंगे बहुत सारा चॉप चॉकलेट, या आप चॉकलेट चिप्स यूज कर सकते हैं। अराउंड 1/3 कप चॉकलेट डाल रही हूँ। ये मैं मिल्क चॉकलेट यूज कर रही हूँ, आप डार्क चॉकलेट भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो आप यूज कर सकते हैं। अब इसको हम डालेंगे, ये हमने टिन रेडी कर लिया है, इसको मैंने लाइन कर लिया है पार्चमेंट पेपर से और अब हम इसको करेंगे ग्रीस। को ग्रीस करूंगी मैं बटर से। अच्छे से हमें इसको ग्रीस कर लेना है सारी साइड्स पे प्रॉपरली। और इसमें ऐड कर देंगे हम इस बैटर को।
स्पैटुला की हेल्प से मैं सारा निकाल लूंगी। ब्राउनी का बैटर थोड़ा थिक ही होता है, इसको बेक होने में ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स लगेंगे हमें। थोड़ा सा हम टैप कर देंगे जैसे सारे कॉर्नर में चला जाए, और अब मैं इसको 25 मिनट्स तक बेक कर रही हूं। हाय एवरीवन, ऑल हैव जॉइंड। हाय सुनीता जी, हाय रजिया जी, हाय रिंकू, हाय कंचन, हाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग। अब मैं इसी पैन में एक चॉकलेट सॉस बनाऊंगी या चॉकलेट गनाश, जो हम ब्राउनी पे पोर करेंगे। बनाने के लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ अमूल का डार्क चॉकलेट। ये मैं इसमें एक कप क्रीम लूंगी अमूल की, इसको हम गर्म होने रख देंगे। इसमें ऐड करूंगी मैं बटर, अप्रॉक्सीमेटली 20 ग्राम ऑफ बटर है ये। और इसमें ऐड करूंगी मैं चॉकलेट। चॉकलेट को हम स्लो फ्लेम पे क्रीम के साथ मिक्स करके एक सॉस कर।
जब तक ये चॉकलेट प्रॉपरली मेल्ट हो जाए। You give a recap of what are we making today? Today we are making almond dough brownie, जिसमें मैं अमूल के almond chocolates use कर रही हूँ। आप रेडीमेड चॉकलेट सॉस भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने यूज किया है 1/3 कप ऑफ ऑल पर्पज फ्लावर। उसके बाद मैंने उसमें डाला है 40 ग्राम्स ऑफ बटर। उसके बाद मैंने उसमें डाला है 100 ग्राम्स ऑफ अमूल मिठाई में। इसको हमने डबल बॉयलर पे मेल्ट करके एक स्मूथ मेल्ट कर लिया है, सबको इनकॉर्पोरेट कर लिया है। उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया है 1 टीस्पून ऑफ कॉफी दैट वाज मेल्टेड विद 1.5 टेबलस्पून ऑफ वाटर, वार्म वाटर। उसको आप डिजोल्व करके अलग से रख लो। उसमें मैंने ऐड किया 1 टीस्पून ऑफ वनीला एसेंस। देन ये सारे हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स कर लिए। उसके बाद हम ऐड करते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स। मैंने जो फ्लावर है उसको सीव के अंदर डाला। मैंने 1/3 कप ऑफ मैदा यूज किया था। उसके साथ मैंने डाला 1 टेबलस्पून ऑफ कोको पाउडर और मैंने डाला 1/4 स्पून ऑफ बेकिंग सोडा एंड 1/4 स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। एंड फिर हमें इन्हें ऑल टुगेदर उस मिक्सचर में सीव करके डाल देना है, जैसे वो सारे प्रॉपरली ब्लेंड हो जाए, और उसको मिक्स कर देना है। उसके बाद मैंने उसमें ऐड करा अमूल का आमंडो, ये जिसको मैंने नट्स को हाफ हाफ चॉप करा और वो भी मैंने उसमें डाल दिया। उसके बाद मैंने उसमें चॉप चॉकलेट डाला। आप कोई भी डाल सकते हैं, डार्क या मिल्क, या आपके पास चॉकलेट चिप्स हो आप वो डालिए। और उसके बाद मैंने लाइन करके टिन में उसको बेक करने रख दिया 170 डिग्री पे। मेरा अवन ये है तो मैं इसमें कर रही हूँ। आपके पास जो भी अवन हो आप उस टेम्परेचर पे 170 या 180 पे, जैसे आपका टेम्परेचर वर्क करता हो। अगर आप बेकिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि किस तरीके सबका अवन अलग अलग रिएक्ट करता है, तो आप उस हिसाब से उसको 20 to 25 मिनट्स को बेक कर सकते हैं। We'll put the ingredients and measurements on YouTube channel. I just clear up everything. जब तक हमारी ब्राउनी बेक हो रही है, लेट्स वेट फॉर आवर ब्राउनी टू बेक। ब्राउनी में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं
वेट कर रही हूँ कि ब्राउनी हमारी बेक हो जाए। और मैंने ये जो चॉकलेट का मिक्स बनाया है उसको मैंने डाल दिया पाइपिंग बैग में। एक्चुअली ये सॉस हमें बना के पहले ठंडा करना होता है, अभी मैंने आपके सामने गरम बनाया है, तो आई थिंक आई विल बी हैविंग प्रॉब्लम विद दिस। तो ये बहुत गरम है अभी। ये हमने पहले से ही मैंने बेक करके रखी हुई है, इसको हम चॉकलेट केक की तरह इसको हम इसकी प्लेटिंग करेंगे जब तक हमारी वो ब्राउनी बेक हो रही है। तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि इसको मैं कैसे प्लेट करने वाली हूँ। मैं इसके ऊपर पोर करूंगी ये जो हमने हॉट सॉस बनाई है, और इसको सर्व करेंगे हम ठंडी ठंडी आइसक्रीम के साथ। आप इस सॉस को ठंडा कर लेना थोड़ा, अभी एक्चुअली हमारे पास लाइन में इतना टाइम नहीं होता तो हम नहीं कर पाते, लेकिन थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है इसमें, थोड़ा ठंडा होने का केक बेकिंग में काफी हमें टाइम चाहिए होता है। तो ये मैंने रेडी कर लिया, इसको हम सर्व करेंगे आइसक्रीम के साथ। मैं सर्व करूंगी अमूल आइसक्रीम के साथ। जस्ट मैं यहाँ सर्व कर रही हूँ अमूल चॉक बार के साथ। आप घर में कोई स्पेशल ओकेजन है कुछ भी है तो आप घर पे ही बहुत अच्छे से इसको सर्व कर सकते हैं। और इसको मैं ड्रेस कर दूंगी। ये हमारा ब्राउनी केक रेडी है, अब देखेंगे बहुत अच्छी ब्राउनी हमारी रेडी हो रही है। विल वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स, इसको हम एक टेस्ट करेंगे और वुडन या फोक से या नाइफ से आप किसी से भी चेक कर सकते हैं। मैं इसको चेक करूंगी, अभी ये गीली होगी लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं चेक कर रही हूँ, अभी ये वेट है। विल वेट, इसको 20 मिनट्स लगेंगे, तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छी हमारी फजी और ब्राउनी बन रही है, प्रॉपर उसमें क्रैक्स आ गए हैं। तो विल जस्ट वेट, और अगर इसी ब्राउनी से हम छोटा सा केक बना सकते हैं घर में बच्चों के लिए, कोई बच्चों का बर्थडे है या घर में कोई भी स्पेशल ओकेजन है, हम घर पे ही अच्छे से बना के अपना सर्व कर सकते हैं और सबको बहुत पसंद आएगा।
Hi everyone who all have joined. Hi Jyotsna. Hi Jyoti. Hi Rinku. Hi Shifali. Hello everyone. Thanks for joining. आप एक सिंपल सी ब्राउनी को भी बहुत स्पेशल तरीके से प्लेट करके आप एक अच्छा सा डेजर्ट बना सकते हैं फैमिली गैदरिंग में या घर में ही. बस आपको अमूल के कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए लाइक डार्क चॉकलेट क्रीम बटर अमूल आइसक्रीम अमूल चॉकबार आइसक्रीम एंड अमूल आमंड चॉकलेट्स. Five more minutes, 5 to 10 minutes. We have to wait. Any questions? Okay, hi Jyoti. Ingredients मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ. मैंने यहाँ पर use करा है 1/3 cup of मैदा. मैं dry ingredients पहले बता देती हूँ. 1/3 cup of मैदा, 1.5 टेबलस्पून ऑफ कोको पाउडर, 1/4 स्पून ऑफ सोडा एंड बेकिंग पाउडर. ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं. उसके बाद हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स में आते हैं. हमने लिया 40 ग्राम्स ऑफ बटर एंड 1/3 cup ऑफ डार्क चॉकलेट चॉप्ड एंड 100 ग्राम्स ऑफ अमूल मिठाई में. इसको हमने डबल बॉयलर पे सबको इनकॉर्पोरेट करके मिक्स करके मेल्ट करके उसको मिक्स कर लिया. उसके बाद उसमें हमने ऐड करा 1 teaspoon ऑफ कॉफी विद 1.5 tablespoon ऑफ वार्म वाटर. उसको हमने मिक्स कर लिया. वो भी हमने वेट इंग्रेडिएंट्स पे मिक्स किया. उसमें हमने ऐड करा 1 teaspoon ऑफ वेनिला एसेंस. उसको भी मिक्स करा. उसके बाद हमने सीव में छान कर अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स उसमें डाले और हमने उसको मिक्स कर लिया. इसमें हमें ज्यादा कुछ और करने की जरूरत नहीं है. बहुत ही सिंपल रेसिपी होती है ब्राउनी. इसको मैंने हाफ हाफ किया और मैंने डाला. आप इसकी जगह पे वॉलनट्स आमंड्स आप कुछ भी यूज कर सकते हैं. चॉकलेट चिप्स मैंने इसमें मिल्क चॉकलेट भी डाला है चॉप करके 1/3 cup भी. एंड बहुत सिंपली उसको मिक्स करके हमें एक टिन को लाइन कर लेना है. पार्चमेंट पेपर से इसे ग्रीस करना है. उसे मैं बेक कर रही हूँ 170 degree पे फॉर 25 minutes. एंड मैंने एक सॉस बनाई चॉकलेट की जो मैंने इसके ऊपर पोर करी है. उसको मैंने सर्व किया अमूल आइसक्रीम के साथ. या एक्चुअली मेरे पास मैं इसी अवन को यूज करती हूँ. मेरे पास प्रॉपर ओटीजी नहीं है यहाँ पर तो मैं इसी में बेक करती हूँ. ये टाइमी छोटा भी है और मेरे कंफर्ट में आ जाता है तो मैं इसी को यूज करती हूँ और इसमें काफी अच्छा मेरे को रिस्पॉन्स मिलता है. लेकिन प्रॉपर बेकिंग के लिए वी नीड अ प्रॉपर ओटीजी. ये तो छोटा छोटा काम करना होता है तो आई यूज दिस एंड इट वर्क्स. हाय अनु जी. हाँ आपको मैंने यही आपका ही आंसर दे रही थी. मैं एयर फ्रायर में बेकिंग एक्चुअली थोड़ा सा अमाउंट का बेकिंग कर सकते हैं हम इसमें बट अगर हमें प्रॉपरली बेकिंग करना है तो हमें प्रॉपर ओटीजी ही यूज करना पड़ेगा. एक्चुअली आई एम नॉट अ प्रोफेशनल बेकर तो मैंने पूरा बेकरी का सेटअप नहीं रखा हुआ है. सो मैं सिर्फ रेसिपीज डेवलप करती हूँ तो मैं सैम्पल्स आपको बना के दिखा देती हूँ. ब्राउन बेक होने वाली है.
बहुत थोड़ी सी घी रह गई है. विल वेट फॉर 2 मिनट्स एंड आवर ब्राउनी विल बी रेडी. और बेकिंग में हमें थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है, उसको थोड़ी देर नॉर्मली ठंडा होने देना होता है, तो हमें इसमें टाइम चाहिए होता है. लाइव में ये वाला थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट होता है बट हो जाता है मैनेज. और ब्राउनी जब हम आइसक्रीम के साथ सर्व करते हैं उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है. कि गरम 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 ब्राउनी हो और उसको आप ठंडी ठंडी आइसक्रीम के साथ सर्व करते हैं तो इट गोज वेरी वेल. हमारी ब्राउनी रेडी हो गई है. इट्स वेरी हॉट. अभी पार्चमेंट पेपर की हेल्प से मैं इसको निकाल लूंगी, मगर आपके पास टाइम होगा तो आप पेशेंस से इसको बनाना. आप देखेंगे बहुत ही अच्छी हमारी ब्राउनी रेडी हो गई है. इसका टेक्सचर देखिए, हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे उसके बाद हम इसको कट करेंगे. आप देखेंगे कि बहुत ही इसके कॉर्नर्स थोड़े से क्रिस्प हल्के हल्के हार्ड हुए हैं और ये सेंटर से बहुत ही फजी और सॉफ्ट है. मैं स्क्यूअर से आपको चेक करके दोबारा दिखाती हूँ. ये पूरी ड्राई आ रही है, थोड़ा सा गीला है बट ये चॉकलेट का ही गीलापन है. लाइक हमने चॉकलेट के चंक्स इसमें डाले हैं ना, तो ये उसका वो निकल रहा है. बाकी इट्स ऑलमोस्ट डन. आप इसको थोड़ा टाइम दीजिए, नेचुरली ठंडा होने दीजिए. कट कर तब तक मैं आपको ये वाला कट करके दिखा सकती हूँ, बिकॉज ये अभी बहुत ही गर्म है तो मैं इसको कट करके नहीं दिखा सकती हूँ. आप लोगों को मैं ये वाली ब्राउनी कट करके दिखा देती हूँ. आप देखेंगे इसके अंदर आमंड्स है और बहुत ही टेस्टी हमारी ब्राउनी रेडी हुई है. मेरे बच्चों को बहुत पसंद आती है, सबकी फेवरेट होती है. जब ये गरम गरम ब्राउनी में जब ठंडी ठंडी आइसक्रीम मेल्ट होती है और उसके बाद इसको टेस्ट किया जाता है तो टेस्ट अमेजिंग. Let's cut. Or we should wait. Can anyone tell me? Yeah, जब ठंडा हो जाता है हम इसको हल्का सा माइक्रोवेव करके गर्म करके इसको सर्व कर सकते हैं. हाँ, बहुत थोड़ा सा हमें लाइक 10 seconds के लिए गर्म करना चाहिए, बहुत ज्यादा भी गर्म नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल बॉईल कर दे. बट मैं चाह रही हूं कि मैं आप लोगों को दिखा दूं लाइव में ही, मुझसे खुद ही वेट नहीं हो रहा. इतनी टेम्पटिंग ये ब्राउनी है. आपको देख के टेक्सचर समझ आ रहा होगा. बस मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि टूट ना जाए ये उठाने में, क्योंकि बहुत गर्म है ना.
इसको इसको भी हम सर्व कर सकते हैं। इसके ऊपर हम, अगर आपको आइसक्रीम के साथ नहीं खाना तो इसको हम आइसिंग शुगर से भी डस्ट कर सकते हैं, अगर किसी को आइसक्रीम के साथ नहीं खाना तो। थोड़ा थोड़ा हम इसको इससे गार्निश करेंगे आइसिंग शुगर से। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए और आप लोग जरूर ट्राई करें इस रेसिपी को। एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड माई यूट्यूब चैनल इज हीना वलेचा। आई हैव जस्ट स्टार्टेड, आई होप मैं उसमें काफी सारी रेसिपीज डाल पाऊं। एनी क्वेश्चन? Thank you everyone, and thanks to Amul team and everyone for trusting on me and giving me these live sessions, and thanks everyone for joining. Bye bye, good night.